नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, यानी आपके रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया हो। हो सकता है कि आपका पार्टनर अब किसी और से बात करने लगा हो सकता है कि आपका पार्टनर अब किसी और से अट्रैक्ट होने लगा हो। हमें इस समय क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन से कैसे डील करनी चाहिए? आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के पास क्यों जा रहा है? ये सारी चीजें आज आप इस वीडियो में जानोगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये समझ लेते हैं कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के पास क्यों जा रहा है। गाइस, हो सकता है कि आपके पार्टनर को जो चाहिए वो आपसे नहीं मिल रहा हो सकता है कि आपका पार्टनर चाहता हो कि आप उसे टाइम दो, आप उसे अटेंशन दो, आप उनकी केयर करो, आप उन्हें वैल्यू दो, आप उनकी रिस्पेक्ट करो, आप उन्हें इम्पोर्टेंस दो, चाहे जो भी हो, लेकिन पार्टनर को वो आपसे नहीं मिल रहा है। हो सकता है पार्टनर ये चाहता है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपने लाइफ में कुछ करो, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हो, इसी वजह से शायद आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के पास जाने के बारे में सोच रहा है। गाइस, ये बातें सुनने को भले ही कड़वी लग रही है, लेकिन यही सच है कि जब तक आगे वाले इंसान को वो नहीं मिलेगा जो उसे चाहिए, टाइम, अटेंशन, केयर, रिस्पेक्ट, इम्पोर्टेंस, वैल्यू, व्हाटएवर, तब तक वो आपके साथ नहीं रहेगा, या फिर रह भी रहा है तो वो कभी ना कभी आपको छोड़ देगा। यानी हो सकता है कि आप उस इंसान को वो नहीं दे रहे हो जो उसे चाहिए, इसीलिए शायद उसे अब कोई और बेटर ऑप्शन नजर आ रहा हो। हो सकता है कि उसे लग रहा है कि आपसे बेहतर कोई तीसरा इंसान हो, इसीलिए वो उससे ज्यादा अटेंशन दे रहा है, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम इस सिचुएशन को जल्दी से नहीं बदल सकते हैं। गाइस, यहां पर आप सिर्फ दो काम कर सकते हो। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, अगर आप इस काम को बहुत अच्छे से करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका पार्टनर कहीं नहीं जाएगा। आप वो करो जो आपका पार्टनर चाहता है। जी हाँ, अगर आपका पार्टनर चाहता है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, तो अपने लाइफ पर काम करना स्टार्ट करो, अपने गोल्स पर काम करना स्टार्ट करो। अगर आपके पार्टनर को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो उन्हें रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो, वैल्यू नहीं दे रहे हो तो वैल्यू देना स्टार्ट करो, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो तो इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करो, और अगर टाइम नहीं दे रहे हो तो टाइम देना स्टार्ट करो। अब आप सोच रहे होंगे, यार मैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, तो हो सकता है कि उन्हें उतना टाइम नहीं चाहिए जितना आप दे रहे हो। इसलिए इन सभी चीज़ों को समझो कि उन्हें क्या क्या चाहिए। आप सारा दिन किसी को नहीं दे सकते, आप 24 घंटे किसी को नहीं दे सकते। अगर आप 24 घंटे उस इंसान को दे रहे हो तो शायद वो आपको इसी वजह से छोड़ के जाना चाह रहा हो। इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि उस इंसान को क्या और कितना चाहिए। उस इंसान को जो भी चाहिए आप उसे देना स्टार्ट करो। अगर वो आपसे बात करना पसंद करता है तो बात करो। अगर वो आपसे बात करना नहीं पसंद कर रहा है, थोड़ा स्पेस चाहिए उस इंसान को, तो आप ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, दिन दिन भर उनसे बात करने की कोशिश मत करो। एट द एंड बस इतना समझ लो कि उन्हें आप जो दोगे वो उन्हें चाहिए, वो मत दो जो उन्हें चाहिए ही नहीं। अगर आप उन्हें वो दे रहे हो जो उन्हें नहीं चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा बात मत करो, और अगर आप दिन दिन भर उनसे बात कर रहे हो, तो शायद वो इस बीच किसी और को ढूंढ ही लेंगे, या फिर किसी ना किसी तरीके से तीसरा इंसान आपके रिलेशनशिप के बीच में आ ही जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कि आप उन्हें वही दो जो उन्हें चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं समझ रहा है, वो बस जाना चाहते हैं, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो किसी तीसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तीसरे इंसान से बात करने लग रहे हैं, तो जाने दो। गाइस, आप किसी को ज़बरदस्ती रोक कर नहीं रख सकते हो। जो भी गलती आपने की है उन गलती से सीखो। भूलना आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं रख सकते हो। बट हाँ, आप जितने एफर्ट्स डाल सकते हो डालो, जितनी कोशिश कर सकते हो पॉजिटिव वे में उतनी कोशिश करो, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को भी रोक कर मत रखो। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी हो, तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम लिमिट तक हम बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन वो टाइम लिमिट क्रॉस होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
हो सकता है कि आप एक ही गलती बार बार कर रहे हो सकता है कि आपकी गलती हो, आप उस इंसान को बार बार इरिटेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है वो इंसान कोई बेटर ऑप्शन चूज कर लेगा और आपको छोड़ देगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि अभी भी मेरे पास टाइम है, तो आप वो करो जो उन्हें पसंद है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, पॉजिटिव वे में। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो, और आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको वन ऑन वन गाइड करूंगा कि आप कैसे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना सकते हो या फिर मूव ऑन कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।